श्री रामदास अथवाले, आपका नाम है? कालिदास। दो मिनट। कालिदास ऑनरेबल चेयरमैन सर, आप जा रहे हैं 10 साल की यादों को यहाँ छोड़कर, आप जा रहे हैं 10 साल की यादों को यहाँ छोड़कर, आप जा रहे सत्ताधारी और विरोधी दलों को जोड़कर। आपने हम सभी का जीत लिया था दिल, आपने हम सभी का जीत लिया था दिल, इसलिए हमें आज बहुत हो रहा है फील। नियमों की दिशा से हाउस को चलाने वाले आपसे एक बहुत अच्छे फील, नियमों की दिशा से हाउस को चलाने वाले आपसे बहुत अच्छे फील, इसलिए आपने सैकड़ों पास कर दिए थे यहाँ बिल। मेरा छोटा सा पक्ष, लेकिन हमेशा आपका मेरे तरफ रहता सा लक्ष्य। मेरा छोटा सा पक्ष, लेकिन हमेशा आपका मेरे तरफ रहता सा लक्ष्य। आपने मजबूत किया था राज्यसभा का कक्ष, आपने मजबूत किया था राज्यसभा का कक्ष, इसलिए हम सभी सदस्य रहे थे दक्ष। तो हमें बहुत बड़ी खुशी है कि आपने 10 साल तक मतलब इस हाउस का गरिमा रखने का काम किया। बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान के मुताबिक भारत को मजबूत करने की भूमिका आपने रखी। ये दोनों को संभालना बहुत बड़ा मुश्किल था, हमें संभालना ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन सामने वालों को संभालना मुश्किल था। लेकिन उसके बावजूद भी आपने मतलब कोई पार्शलिटी ना करके पारदर्शिता रखते हुए आपने इस हाउस को बहुत ही अच्छी तरह चलाने का काम किया है, इसलिए हमें बहुत बड़ा गर्व है। आप उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, आप माइनॉरिटी के चेयरमैन भी रहे हैं, और आपका जो काम है काम बहुत अच्छा रहा है। भविष्य में भी आपकी अपेक्षा करते हैं, हम चाहते देख भाई और भी आपको 5 साल में मिलेंगे, लेकिन आप उधर गए थे और इधर से मिलना मुश्किल था। ठीक है, इसीलिए मतलब आपके बारे में हम सभी लोगों को बहुत बड़ा गर्व है, बहुत बड़ा अभिमान है, और भविष्य में आप बहुत अच्छा काम करते रहेंगे भारत की एकता मजबूत करने के लिए। दलित हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोगों को जोड़कर नरेंद्र मोदी की सरकार जो काम कर रही है उसको आगे ले जाने के लिए हम सब लोग काम करेंगे, और आपका आशीर्वाद अगर हमको मिलेगा तो और भी 10-15 साल तक हम यहाँ रहेंगे और इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। तो फिर एक बार मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, जय भारत। थैंक यू।